बस बस हाथी पर थोड़ी देर और, एक दो खिंचो। हे गाइस, स्वागत है आपका बिंदास बॉलीवुड में। तो जैसे कि आपने देखा, हाथी भाई सोसाइटी कंपाउंड में गिर जाते हैं और वो जब गिरते हैं तो भूकंप जैसे माहौल हो जाता है। मुकुल धाम के सभी लोग बाहर आ जाते हैं, वो सभी गिरने लगते हैं और फिर देखते हैं तो पता चलता है कि पूरी सोसाइटी कंपाउंड में हरा रंग का कुछ गिरा हुआ है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो अब शुरू हुई जब सबका ध्यान हाथी भाई के ऊपर गया। देखा तो अभी भी हाथी भाई सोए हुए थे। सब लोग उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं, पर हाथी भाई तो हाथी भाई है, उनको उठाना आसान थोड़ी ना है। और आप सबको पता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसाने के बहुत से तरीके दिखाते ही रहते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि हाथी भाई को उठाने के लिए क्रेन का बंदोबस्त किया जाएगा और फिर हाइड्रोलिक पंप की सपोर्ट से हाथी भाई को खड़े करेंगे। ये सब के बीच अगर दया भाभी होते तो जैसे ही हाथी भाई खड़े होते, दया भाभी गुजराती गरबा करने लगते। पर अफसोस, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी दया भाभी की एंट्री होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में अगर आप मौजूद होते तो हाथी भाई के लिए क्या आइडिया लगाते, कमेंट करके बताएं और हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।